हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइल्स ऑफ राइडर। और आप सभी को फिर एक नया ब्लॉग में स्वागत। अभी टाइम हो रहा है 12:45 बजे, तो आज है 25 तारीख रात को हम लोग निकल गए कोलकाता से अभी लद्दाख के लिए। फाइनली हम लोग आ गए मीटअप पॉइंट पे और सभी बंदे लोग यहाँ आ गया। ठीक है, अमित का हॉर्नेट, ये आपका भाई का छोटा टाइगर, और ये है XC का बाइक। ठीक है, एवेंजर 160। ये कोलकिलर विशाल, और ये है शुभम का KTM 390 DU। तो फाइनली हम लोग सब तैयार, फिर यहाँ से एक फोटो उठाएंगे, रील में छोड़ स्टोरी लगाएंगे, फिर यहाँ से भागेगा। तो चलो सीधा बाइक पे जाके बात होता है। ठीक है, चलो। तो भाई साहब अभी पहुँच गए हैं कहाँ, ये है सातरागाछी फ्लाईओवर अभी चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ से थोड़ा फ्यूल अप करना है, मतलब मैं घर से जब निकला कोई फ्यूल अप नहीं किया, मैं यहाँ से फ्यूल अप करूँगा, और वो भी ज़्यादा नहीं, 5 लीटर मुझे अभी फ्यूल अप करना है। मतलब यहाँ से मैं झारखंड तक पहुँच जाऊँगा, फिर झारखंड जाके मैं फुल टैंक करवाऊँगा। मुझे बजट ट्रिप करना है, मुझे बजट बचाना है। ठीक है, खर्चा ज़्यादा नहीं, खर्चा कम करके मुझे ये ट्रिप करना है। तो जिसको खर्चा कम करके ट्रिप पसंद है तो मेरा ब्लॉग पूरा एकदम फास्ट से लास्ट तक देखना। ठीक है, 5 लीटर 530। अभी पहुंच गए हम लोग क्या डानकुनी टोल प्लाजा क्रॉस कर लिए। ठीक है, तो अभी तक मेरा गाड़ी चल, मेरा बाइक 32 किलोमीटर कवर कर लिया, तो 650 किलोमीटर आज कवर करना है, उसमें से 30 किलोमीटर कवर हुआ है, अभी भी 620 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम फिलहाल मैं नहीं कह सकता, मेरा डिस्प्ले में जो टाइम दिखा रहा है वो गलत है, एग्जैक्ट टाइम क्या है मुझे अंदाजा नहीं है अभी। भाई साहब इधर पूरा बारिश चालू हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बारिश पहले थोड़ा हो चुका है बारिश, लॉरी के चक्का से जो पानी आ रहा है ना, पूरा हेलमेट का ग्लास मतलब और कुछ नहीं दिख रहा है, बार बार रुक के साफ करना पड़ रहा है, फिर आगे बढ़ना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुर्गापुर। तो आप लोग हमें चाय पे जिस पे उतरे और इधर सब बाइक पीछे सब लोग खड़ा हो गया, तो सोभी अभी तक आया नहीं, सोभी आने के बाद बाकी बाइक के जो डॉक्टर कह रहे हैं उसको उसके बाइक में डाल के फिर यहाँ से निकलूँगा। पहले सोभी को आना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ से निकलूँगा। टोल प्लाजा से ये आया है हम लोग, 4-5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सब लोग रुके थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, तो चाय वाय पी के सोभी खाने के बाद लोग निकल लेंगे, फिर आएंगे मोटर ब्लॉक। लेकिन मोटर ब्लॉक कैसे करे वो इधर कुछ ऐसा है, तो मौसम अच्छा नहीं है, शायद मोटर ब्लॉक उतना अच्छा नहीं होगा, अच्छा है। और ये जगह को हम छोड़ के, और ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो मतलब वेस्ट बंगाल ख़त्म हो गया, फिर हम लोग झारखंड एंटर करने वाले हैं। तो झारखंड में आपका स्वागत, आप लोगों का सभी को स्वागत है झारखंड में। तो गैस यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 100.30 रुपये। तो गैस अभी पेट्रोल फुल हो गया और यहाँ पे पेट्रोल गया है 980 रुपीज़ का, फुल टैंक हो गया मेरा और 10 लीटर से भी कम गया है। ठीक है, यहाँ पेट्रोल तो 100 रुपया लीटर चल रहा है, 100.30 पैसे। ठीक है, तो चलो बाकी लोग आगे निकल गए, मैं यहाँ शुभम पीछे हूँ, और मैंने तो गाड़ी को ज़्यादा भागा रहा हूँ इसलिए थोड़ा माइलेज ड्रॉप हुआ है, वो होता ही है। ठीक है, अगर इसको पकड़ के चलूँगा वो तो 60-70 के ऊपर माइलेज जाएगा। ठीक है, लर्निंग माइलेज कोई भी कुछ कह भी लीजिए, ठीक है, मतलब बोलता है बहुत सारे माइलेज है, 70-80 माइलेज होता है। ठीक है, हाईवे पे होता है, लेकिन एक स्पीड लिमिट होने के बाद होता है इसका माइलेज 70, उसके
मौजूद नहीं होता है। मतलब मैं तो गाड़ी भगा रहा हूँ 80-90 कभी कभी 100 में भी भाग रहा है, तो उसमें तो मेरा माइलेज मैक्स टू मैक्स 50 रहता है, ठीक है, 50 के ऊपर नहीं कम रहता है, 48-50 रहता है। अगर इसको 70-60 में चलाऊँगा तो 60 का माइलेज दे देगा, 55-60। अगर इसको 50 और 60 के बीच चलाऊँगा तो 65-70 माइलेज इसका देगा ही देगा, ठीक है, तो गारंटी। तो चलो बाकी निकलते हैं, बाकी बात फिर होगा। अभी कहीं रुकना है, ब्रेकफास्ट करना है, टाइम तो बहुत लेट हो चुका है, थोड़ा और भी लेट रुकेंगे। ओ भाई साहब, रोड देखो, रोड इसको कहते हैं रोड, भाई साहब पूरा 6 लेन, पूरा 6 लेन। रुके थे तब चाची थोड़ा 6 किलोमीटर से आगे तो एक जगह है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा रेस्ट लेने के रुके थे। और कितना बंदा देखो, सब भीड़ जमा दिया यहाँ, सब सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है, तो यही सपोर्ट अलग अच्छा लगता है, मतलब क्या है। और नज़र कुछ यहाँ से, यहाँ देखो यूट्यूब में नज़ारा है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे जाके एक जगह है सो भी खड़ा हुआ है, तो उधर हम लोग को थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट करके फिर चलो वहाँ जाके फिर ब्लॉग में आते हैं, ठीक है, चलो। तो गाइस यहाँ पर हम लोग रुके थे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, ये है फिर कोटेश्वर हिल के ऑपोजिट साइड, आप कोटेश्वर हिल आप लोग देख लो, ये पीक है, मतलब उससे पीछे भी एक पीक है, ठीक है, वो कैमरा में नहीं आएगा, वो है कोटेश्वर हिल जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड में सबसे बड़ा हिल वही है कोटेश्वर हिल। और मौसम देखो पूरा बारिश, ठीक है, सुबह से लगातार बारिश हो रहा है, अभी बारिश, लेकिन पता नहीं हम लोग को नसीब में क्या है, एक बैड न्यूज मिला है, मनाली हाईवे जो है वो बंद हो चुका है, कितना दिन बंद रहेगा पता नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ से जाएंगे, दिखते हैं खुल पाएगा तो हम जा पाएंगे, नहीं तो पता नहीं, बहुत बुरा हाल है उधर, ठीक है, मतलब पूरा तबाही हो गया, हम जाएंगे और फाड़ देंगे, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, चलो बाकी का आप दे देंगे। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया, उधर चल रहे आलू पराठा तड़का, रोटी तड़का, हम लोग का भी रोटी तड़का, ठीक है। घर से आने का टाइम, मेरा लड़की सबके लिए गिफ्ट भेजा है, पता नहीं कैसा है, वो ऊपर रखा हुआ था, थोड़ा है तो शायद भीग भी गया होगा, एक इसका है सोविक, ये है इप्सिता के लिए, ये है विशाल के लिए, तो वो भेजा है, सबको देना पड़ेगा ये, और सबके साथ एक पिक्चर लेना पड़ेगा, ये बैठने से नहीं होगा, उधर आना पड़ेगा, एक सेल्फी लेना पड़ेगा और लड़की को भेजना पड़ेगा तुम्हारे लिए, ये क्या करना पड़ेगा, मेरा लड़की ने भेजा है, ठीक है, हाँ अमित ये तुम्हारे लिए, ठीक है, ये शुभम का है, शुभम आने से दे दूंगा, और ये मेरा है, क्या लिखा है इसको खोलते हैं, देखो हैप्पी जानी बापिला, मतलब वो मुझे प्यार से बापिला बुलाता है, और इधर लिखा है क्या, सेफ एंड पीसफुल जानी, आई विल मिस यू बापिला, थैंक यू पापा, थैंक यू, लव यू, तो फिलहाल हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिए और सब धीरे धीरे निकल चुका है, और हम लोग भी धीरे धीरे निकल रहे हैं, सिर्फ एक ग्लव्स लगाना है और निकल रहे, बहुत टाइम हो गया, 10:30 हो गया अभी टाइम, तो शेड्यूल से भी लेट, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बारिश भी हो रहा था इधर, अभी थोड़ा धूप निकला है, इसलिए रेनकोट वगैरह भी उतार लिया, अभी ग्लव्स 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 किसका है,
किसी का गिलास भी यहाँ रख दिया, 20 साल का ही होगा शायद। ठीक है भाई साहब, देखो इधर पूरा तरवाल का दुकान है, सब पूरा ये बंद है। उधर भी आगे ये रास्ते पे बहुत सारे आपको मिलेगा तरवाल का दुकान। ठीक है, सूट वगैरह तरवाल वगैरह सब यहाँ मिलता है। काका लोग हम लोग को देख रहे हैं, सोच रहे प्लाटे ने क्या कर रहा है। प्लाटीना को देख के सब खुश हो जाता है, खुश। ओनली वन पीस ब्रो, ओनली वन पीस। अमित को मैं कह रहा हूँ ये ओनली वन पीस, दिस इज प्लाटीना। उधर का मौसम देखो कितना बढ़िया, ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली। तो अब शुरू होगा फुल मोटो व्लॉग और फुल मौज होगा, मौज लद्दाख सीरीज में। अब से मौज शुरू हुआ, क्योंकि सुबह से मौज नहीं हुआ था, क्योंकि पूरा पानी था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। यहाँ रुकेंगे, वो लोग सब वॉशरूम में जाएगा। अभी स्टार्ट कर दिए हम लोग भी बाइक, तो अभी तपचाची क्रॉस कर रहे हैं, मतलब वालिसा हिल को छोड़ के सीधा गाजियाबाद की तरफ, गाजीपुर की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। गया होके ही जाएंगे, गया होके, और सामने है एवेंजर लेके टिप्सी, मतलब उसके साथ मेरा पहला राइड है ये। बहुत बार राइड के लिए प्लान होके भी नहीं हुआ, ये प्लान में सक्सेसफुल हो रहा है। तो चलो बाकी बात तो होते ही रहेंगे, लेकिन मौज वाला सीन थोड़ा बाकी है, बॉस बाकी है, फुल मौज होगा, फुल मौज। ठीक है, दाएं तरफ देखो फुल एकदम पहाड़ के ऊपर पूरा एकदम मेघ, घना मेघ, पूरा बादल छा गया, पीछे से सूर्यदेव झांक मार रहे हैं, और लेफ्ट से इफ्सी टका टक लगा रहा है। ओ डांस मिनके 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 मिनके, ए ए ए ए, फुल फुल मौज, फुल मौज। इस वैली को देखो दाएं तरफ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आओ कभी झारखंड घूम के जाओ, बहुत सुंदर लगेगा झारखंड, बहुत सुंदर है, और घूमने का बहुत जगह है, बहुत, मतलब झारखंड में ऐसा जगह है आपको दूर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। Only one pace. करीब 110 105 क्रॉस कर गया भाई साहब। और क्या चाहिए, और क्या, तवाई बराबरी हो रहा है भाई, बराबरी डोमिनर के साथ पूरा बराबरी हो रहा है भाई, भी 100 ये भी 100 और क्या। और क्या चाहिए भाई, बजाज इस बजाज प्लाटिना
ओ भाई भाई शाबाश, वो इधर मौसम बढ़िया बढ़िया, क्या सीन है, क्या नजारा है, और क्या चाहिए हीरो जीने के लिए, और क्या चाहिए। सामने एक ब्यूटीफुल रोड और एक ब्यूटीफुल नजारा देख लो भाई, ओ ब्यूटी ब्यूटी। तो फिलहाल यहाँ थोड़ा रुके, ज़्यादा दिन नहीं, 10 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा गन्ने का जूस पीना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब रात भर हम लोगों ने राइड कराया तो रात बढ़ाने से तो थोड़ी थोड़ी हीट होता है, इसलिए थोड़ा गन्ने का पानी, गन्ने का जूस पीना है। और बहुत सुंदर सा हवा चल रहा है और ये ऐसा नज़ारा, नज़ारा देख के ना रुकना पड़ता है, बढ़िया है बढ़िया। ओफ, और ऐसे बढ़िया लोकेशन में मेरा बाइक भी एकदम चम्मा सेक्सी। गाने का जूस पिएगा, पिएगा, पिएंगे पिएंगे, ठीक है। और यहाँ का नज़ारा देखो, वो ब्यूटी, क्या नज़ारा भाई। पीले पीले ओ मोराजा, पीले पीले गन्ने का पानी, ए गन्ने का जूस, आ जाओ मेरे पीछे लाइन दो, मेरे पीछे लाइन दो, गन्ने का जूस लगाओ 20-20 करके। ये सब्सक्राइबर तो इससे सब्सक्राइबर भी ज्यादा है हमसे। बढ़िया तो भाई साहब, थोड़ा गन्ने का जूस पी के फिर निकल पड़ा, बाकी सब पीछे आ रहे हैं। ओहो, ग्लव्स रुक गया, ग्लव्स ग्लव्स ग्लव्स। ग्लव्स गिर गया, पहनना भूल गया था और रास्ते पर गिर गया। चलो चलो चलो, ऑल ओके, चलो चलो। ये गिर गया था, पहनना भूल गया था, फिर गिर गया था। आप निकलो निकलो, पीछे पांव बरसात आ रहा है, पीछे का तरफ पूरा अंधेरा हो के बादल छा गया, कभी भी बारिश हो सकता है, इसके लिए थोड़ा भागना पड़ेगा। अरे भाई पानी गिर रहा है, चलो भागते। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सिर्फ देखो इस तरफ नज़ारा को, कितना सुंदर भाई साहब, भाई साहब। तो फिलहाल अभी जंगल से क्रॉस कर रहा हूँ, जंगल का नाम है, मुझे जितना दूर तक पता है इस जंगल का नाम है सरहटी, सरहटी जंगल। तो गाइस अभी है बड़ा चट्टी में, तो यहाँ एक रेस्टोरेंट में ढाबा में रुके हैं, ठीक है। तो यहाँ चल रहा है पेट भोजन, और सब देखो पेट भोजन क्या है, भेज थाली और दही, दही मीन्स पेट ठंडा होगा, भेज, ठीक है। सब खाने में माहिर है, ठीक है। और ये लड़की बोल रहा है 200 किलोमीटर जाएगा ना 400 किलोमीटर बैग जाएगा, कहाँ करेगा, का करेगा बेटुआ, का करेगा। बैग ही भेज दो, चॉइस इज योर्स।
तो हम लोग चॉइस कर लिए 200 किलोमीटर इधर जाएंगे, उसको 400 उधर भेज देंगे। 400 तो उधर जाएगा बैक। नहीं बोलने चाह रही थी, मेरी मतलब था कि आप लोग इधर चलो और जल्दी चलो, जल्दी खाओ, खाना खाओ और उधर गाड़ी देखो टूर में रखा हुआ है पेड़ के नीचे, ठीक है, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए स्टार्ट करो और निकलो। और ये बंदा सिर्फ खाना खाना खाना, भूख लगाए खाना खाने दो, ठीक है चलो फिर हम भी खाते हैं, फिर निकल के मोटो ब्लॉक मोड में आते हैं, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ से खाना खा लिया और हम लोग अभी निकल रहे हैं, अभी टाइम हो चुका 3, तो चलो आराम से निकलते हैं हर हर महादेव। भाई साहब ये जो चेक पोस्ट है मतलब टोल गेट है, तो ये टोल गेट क्रॉस करने के बाद हम लोग बिहार में एंट्री हो गए। तो चलो झारखंड को बाय बाय करके बिहार में घुस गए, वेलकम टू बिहार पुलिस वहाँ लिखा था। तो गाइस हम लोग अभी ये जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, इसके नीचे से जो नदी जा रहे हैं उसका नाम है सोन नदी, मतलब रिवर का नाम है सोन रिवर, ठीक है। तो ये ब्रिज काफ़ी लंबाई है और अभी में जो रिवर है वो थोड़ा छोटा सा कवर हो गया, हो ये सिर्फ सूखा है, मतलब पूरा था, पूरा रिवर ही था लेकिन पानी उतना नहीं है, थोड़ा सा। तो गैस हम लोग अभी आके रुके हैं सासाराम टोल प्लाजा क्रॉस करके, इधर टोल पर गए और यहाँ से हम लोग का डेस्टिनेशन 100 किलोमीटर और बाकी है। सोबिक विशाल और रिप्सी तीनों पीछे रह गया वो लोग आने से, बाकी 100 किलोमीटर कंटिन्यू होगा। इधर सनसेट हो रहा है, नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है और इधर ही हम लोग को जाना है और 40 किलोमीटर के बाद हम लोग को दाएं तरफ लेना है, मतलब मोहनिया बोल के कोई जगह है वहाँ से हम लोग को राइट लेना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ से थोड़ा 4 बजे पी के निकल जाएंगे, बाकी बंदा आने दो, ठीक है चलो। तो गाइस हम लोग को फिर बैक जाना पड़ रहा है 18 किलोमीटर, एक हादसा हो गया, मतलब रास्ता बहुत ख़राब हो चुका था, उसी की वजह से इप्सिता अचानक से गिर गया, मतलब शायद आपको रास्ता बाद में दिखा दूंगा कैसा, ठीक है। और उसमें चक्का जाते ही, मैंने अपना बाइक का चक्का उसमें जाते ही ना वो डिसबैलेंस कर देता बाइक को, ऐसे ही हुई है। तो इसी वजह से इप्सिता गिर गया, उसको चोट आया है, तो इसलिए हम लोग बैक जा रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ है। विशाल को फ़ोन किया था, वो तो बोल रहे बाइक को चला नहीं पाएगा ऐसा कुछ, तो देखते हैं क्या है, अगर हम लोग पहले जाएँ उधर तो अच्छा होगा। अभी यहाँ से 9 किलोमीटर बाकी है, 13 मिनट दिखा रहा है, तो चलो जाते हैं फिर वहाँ जाके आप लोग से शेयर करूँगा। तो फिलहाल अपडेट ये है, इप्सी का चोट ज़्यादा ही हुआ है, फिलहाल वो बाइक चला के देख रहे, कोशिश कर रहे, कोई चारा भी नहीं है। और उधर एक बंदा बाइक लेके बैठा हुआ है, अभी अभी इधर गिरा है, उसका पूरा हाथ पैर पूरा छिल गया है, मतलब सुबह से यहाँ डस्ट हो गया बोल रहा है, बहुत ख़राब चीज़ है ये जो रास्ता है ना, ये मिट्टी पूरा दबा हुआ है, इसलिए जो भी रनिंग से आ रहा है वो पूरा गिर रहा है इधर। बहुत बड़ा एक्सीडेंट अभी हुआ था, बहुत बड़ा, हम लोग के सामने भी, वो तो इसी देख के रो पड़ा। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पहले एक होटल देखेंगे, उसके बाद पहले जो टोल, इधर रास्ता का पूरा हाल बहुत ख़राब, मतलब अंदर हाउस जो नज़र में दिखा था वो पुलिस का गाड़ी जाता है, कैसा हो रहा है, देखो ऐसा ही हो रहा है, मतलब वो रास्ता पूरा लॉरी भी ऐसे ऐसे हिल रहा है,
बाइक सब देखो, जो इधर का बाइक है वो सब बाएं तरफ जा रहा है, दाएं तरफ कोई नहीं जाएगा। दूसरा वाला बाइक होगा दाएं तरफ जाएगा तो गिर जाएगा। सुबह से दस्त हो गया ना इधर, दस्त हो। अरे भाई अभी बोल रहे सुबह तो दस्त हो, एक्सीडेंट हो गया। लॉरी भी हिल रहा है, किसको इस भैया, इसको कंप्लेंट करके इसको ठीक करवाओ ना। तो हाँ, और भैया है बोला ना करेंगे, काम हो जाएगा ना, एक दो दिन में हो जाएगा। बहुत डेंजर है, पूरा रोड ही ऐसा है। यहाँ से 8 किलोमीटर इधर भी तो आगे है। इधर है हाँ, 8 किलोमीटर जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं गया था, वो तो उधर से आया, अभी टोल क्रॉस करके मैं चला गया था, फिर ये लोग का हुआ एक्सीडेंट, फिर घुमा के आया इधर। 14 किलोमीटर घुमा के आया। हाँ 14 किलोमीटर दूर था हम लोग। आगे थे 3 आदमी, आगे थे 3 आदमी, पीछे था। हाँ वो 3-3 करके बांट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आ रहे हैं हम लोग। ए जो बाइक, हाँ हाँ, आप लोग रहेंगे इधर? आप लोग, हम तो यहीं रहेंगे आज, अब तो हम यहीं रहेंगे आज। हाँ होटल किया है, 11 बजे तक देखेंगे आगे होगा तो। बात तो मत मारो। ओके ओके, तो आज का होटल इधर ही ले लिया हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो भैया था वो होटल थोड़ा ज़्यादा प्राइस का है, मतलब एक तो होटल एंड ये माउंट व्यू रिजॉर्ट है, ठीक है। रिजॉर्ट का तो प्राइस तो महंगा हो गई, थोड़ा बातचीत के थोड़ा कम हो गया, तो बाद में वो आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल इसको देखते हैं क्या होता है, फिर चलो। तो फिलहाल शुभम और विशाल किसी को लेके गया है हॉस्पिटल में, और हम लोग यहाँ रुके हैं होटल में, वो लोग भी आएगा, तो आने के बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो लोग आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा उसका तबीयत कैसा है और क्या सिचुएशन में है। फिलहाल अभी चिकन और रोटी आ गया रूम पे, सब खाना खा रहे हैं देखो। और इसका हो गया था एक्सीडेंट, लेकिन अभी ठीक है, बोल रहे चिकन खाने से हड्डी का ताकत भेंगे गए, उनको भेंगे गए, ओटा जुड़े जाए तब चले जाए। तो भाई छोड़ो, ये देखो इसको खाने देखो, ओह शकुन चिकेन, ठीक है जी। खाना कंप्लीट। तो फाइनली हम लोग अभी रूम पे आ गए, और इसी को भी डॉक्टर दिखा के लेके आया। डॉक्टर ने कहा है 3 दिन रेस्ट करने के लिए, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब सुबह दिखा जाएगा। फिलहाल अभी रेस्ट करते हैं, और अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, अभी ब्लॉग भी एडिट करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो इसी ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, और आज का ट्रिप में जो जो खर्चा जो सब कुछ किया हूँ सब मैं डिटेल्स इसी ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, ठीक है। और ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, खर्चा सिर्फ सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो था चाय लेके 50 रुपया, एक दो बार चाय पिया था वो तो पकड़ लो 20-30 रुपया, ठीक है, 80 रुपये इधर हो गया। और गन्ना का जूस पिए थे 20 रुपया, 100 रुपया। दोपहर का लंच में खर्चा हुआ था कितना, दोपहर का लंच का 60 रुपीज पर वेज, और दही के लिए 20 रुपया, 80 रुपीज़, ठीक है। दोपहर का खर्चा तो ऑलमोस्ट हो गया 180 रुपया, और रात में जो अभी खाना हम लोग ऑर्डर किया है अभी, तो उसका खर्चा है 120 शायद 150 रुपया, ठीक है। तो यही आज का खाना का खर्चा, मतलब रोड का। और ये जो होटल मिला है, ये होटल पर रूम 1600 रुपया डिवाइडेड 3, तो पकड़ लो 600 करके, ठीक है, सॉरी 1800 रुपया, ठीक है, मतलब दोनों रूम मिला के 3600 रुपया, तो 6 आदमी डिवाइडेड, तो 600 करके आता है। तो आज का खर्चा यही पेट्रोल छोड़कर, ठीक है, पेट्रोल अलग छोड़कर। तो चलो इसी ब्लॉग को यही एंड करते हैं, दूसरे ब्लॉग को फिर मिलेंगे, और क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा जरूर बताना। तो टाटा बाय, सी यू, खुदा हाफिज़।